Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 10. Today we are going to solve the exercise of unit 2. This is the fifth video of this unit and the title of the unit is The Champions. Now let's see what are the questions and what are their answers. The first question is, what is the significance of the title The Champions? Iske title Champions ki kya ahmiyat hai? Matlab ye ki aapko is title se क्या पता चलता है स्टोरी के बारे में और स्टोरी पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये टाइटल मुनासिब है या नहीं है. तो इसका आंसर है कि बोथ द प्लेयर्स वांटेड टू बी द वर्ल्ड चैंपियंस बट इन द एंड वी फाइंड दैट दे प्रेफर टू रिमेन चैंपियंस ऑफ ईच अदर्स हार्ट. इस स्टोरी में जो दो प्लेयर्स हैं अहमद अली एंड गुलशेर वो दोनों वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे लेकिन आखिर में हमें पता चलता है कि उन दोनों ने एक दूसरे के हक में मैच से विदड्रॉ कर लिया, मैच को छोड़ के चले गए और उन्होंने ये बेहतर समझा कि हम एक दूसरे के दिल के फातेह बने रहें, हमारी दोस्ती खराब ना हो. सो द टाइटल इज एप्ट टू द बिगिनिंग एज वेल एज टू द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. तो ये टाइटल जो है द चैंपियंस ये ना सिर्फ ये के स्टोरी के शुरू के लिए मुनासिब है बल्कि एंडिंग ऑफ द स्टोरी के लिए भी बहुत मुनासिब है. व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ अहमद अली एंड गुलशेर? अहमद अली और गुलशेर का ख्वाब क्या था? अहमद अली एंड गुलशेर वांटेड टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियंस एंड दे वर वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट. अहमद अली और गुलशेर दोनों वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे और ये सिर्फ नहीं था कि वो सिर्फ ये ख्वाब देख रहे थे और इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे थे बल्कि वो दोनों इसके लिए मेहनत भी कर रहे थे, सख्त मेहनत कर रहे थे, रोजाना सुबह उठ के वर्जिश करते थे और अपनी फिटनेस का, अपने स्टेमिना का बहुत ख्याल रख रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वॉज द फाइट सो इम्पोर्टेंट फॉर बोथ अली एंड गुलशेर? ये फाइट यानी ये जो फाइनल मैच था ये दोनों अली और गुलशेर के लिए क्यों इतना अहम था? द फाइट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ अली एंड गुलशेर बिकॉज द विनर वॉज सपोज टू टेक पार्ट इन द नेशनल चैंपियनशिप. ये लड़ाई यानी ये मुकाबला अहमद अली और गुलशेर दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस मुकाबले में जो भी जीतता उसने नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था. देयर वॉज नो ड्रॉ इन दिस मैच एंड वन प्लेयर हैड टू विन. और इसमें कोई ड्रॉ नहीं होना था यानी इसमें कोई बराबर का फैसला ऐसा नहीं होना था कि दोनों को बराबर करार दे दिया जाए बल्कि एक प्लेयर का जीतना जरूरी था. हाउ डिड द टाउन फ्रेंड्स फाइट? डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स इन 5 सेंटेंसेस. जी, इस जुमले में टाउन फ्रेंड्स किनको कहा गया है? नहीं, टाउन फ्रेंड्स कहा गया है गुलशेर और अली को क्योंकि गुलशेर और अहमद अली दोनों एक ही इलाके में यानी लियारी के इलाके से ताल्लुक रखते थे और इकट्ठे ही पले बड़े थे तो उनको टाउन फ्रेंड्स कहा गया है. बोथ गुलशेर एंड अली वर स्किल्ड बॉक्सर्स. दे वर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन बॉक्सिंग सो बोथ ऑफ देम फॉट ब्रेवली टिल द एंड. दोनों गुलशेर और अली बहुत माहिर बॉक्सर्स थे, वो दोनों इस बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, बॉक्सिंग के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे. इस वजह से वो दोनों आखिर दम तक बहुत बहादुरी से लड़े. एट द सेम टाइम दे वैल्यू देयर फ्रेंडशिप टू. साथ साथ वो दोनों अपनी दोस्ती की भी बहुत कदर करते थे. They, the hooks and the haymaker punches they used were enough to make the opponent unconscious, but both of them were not ready to give an inch. जो hooks and haymaker punches ये दो मुक्के की किस्में हैं, दो मुक्का मारने के मुख्तलिफ किस्में हैं, एक को hook कहते हैं और एक को haymaker. तो उनके जो हुक्स एंड हेमेकर पंचेस थे वो इतने जोरदार थे कि वो मुकाबिल को बेहोश करने के लिए काफी थे. बट बोथ ऑफ देम वर नॉट रेडी टू गिव एन इंच. लेकिन दोनों एक इंच भी एक दूसरे को देने को तैयार नहीं थे, मतलब दोनों शिकस्त मानने को तैयार नहीं थे. दिस इज एन इडियम. मैंने लेसन रीडिंग के दौरान भी आपको बताया था कि नॉट रेडी टू गिव एन इंच जो है ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि शिकस्त मानने को तैयार ना होना. द एंडिंग इज रियली इंटरेस्टिंग व्हेन आफ्टर मैच फुल ऑफ वूंड्स एंड ब्लड बोथ ऑफ देम विथड्रू इन फेवर ऑफ ईच अदर एंड नन कुड बी डिक्लेयर्ड
अ विनर और अ लूजर। इस कहानी का इख्तिताम बहुत ही मजेदार है क्योंकि एक ऐसे मैच के बाद जिसमें बहुत ज्यादा जख्म लगते हैं दोनों को, दोनों का खून बहता है, एक की आंख सूज जाती है, एक के नाक से खून बहता है, आखिर में बिल्कुल आखिरी मराहल में दोनों एक दूसरे के हक में विदड्रॉ कर लेते हैं। विदड्रॉ का मतलब पीछे हट जाना, विदड्रॉ का मतलब होता है कि किसी भी मुकाबले से पीछे हट जाना और कहना कि हम ये मुकाबला आगे नहीं खेल रहे। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि नो वन कुड बी डिक्लेयर्ड अ विनर और अ लूजर, किसी को भी फाते या हारा हुआ करार नहीं दिया जा सका। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ अली एंड गुल। अली एंड गुल शेयर वर क्लोज फ्रेंड्स बट देयर वर मेनी डिफरेंसेस इन देयर पर्सनैलिटीज। अगरचे कि वो दोनों अच्छे दोस्त थे लेकिन उनकी शख्सियतों में बहुत फर्क था। गुल शेर वॉज फेयर लीन एंड लैंकी। गुल शेर का रंग गोरा था, वो दुबला पतला और लंबा था। ही बिलोंग टू खैबर पख्तूनख्वा और उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से था। अहमद अली वॉज डार्क शॉर्ट एंड हस्की। अहमद अली का रंग थोड़ा सांवला था और उसका कद भी छोटा था और वो घुटे हुए जिस्म का मालिक था, मतलब बहुत ज्यादा पतला दुबला नहीं था बल्कि थोड़ा भरे हुए जिस्म का मालिक था। एंड ही हैड अ शीदी ओरिजिन। शीदी एक कबीला है, एफ्रो अफ्रीकन ओरिजिन का कबीला है जो कराची के इलाके में आबाद है और मुसलमान है और ये उस कबीले से ताल्लुक रखता था। इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी? इफ यस, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। क्या इस स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोई तनाव है, कोई वजह है जिसकी वजह से मसले पैदा हो रहे हैं, लड़ाई का खतरा है या तनाजा है। द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज दैट द टू वेरी गुड फ्रेंड्स हैड टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर। बोथ ऑफ देम वॉन्टेड टू बी द वर्ल्ड चैंपियन बट दिस कुड नॉट हैपन विदाउट बीटिंग द बेस्ट फ्रेंड। इस कहानी का सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सबसे बड़ा मसला इस कहानी में था, वो ये था कि दो बहुत अच्छे दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ खेलना था और वो दोनों वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे मगर वो तब तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते थे जब तक वो अपने दोस्त को हरा ना दे। आफ्टर अ फाइट फुल ऑफ वुंड्स एंड ब्लीडिंग्स बोथ डिसाइडेड टू लीव द रिंग विदाउट एनी फाइनल डिसीजन। एक खून और जख्म से भरी हुई लड़ाई लड़ने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो रिंग को छोड़ के चले जाएं और कोई फाइनल फैसला ना हो सका। What was the effect of the fight on the relationship of the two friends? इन दोनों दोस्तों की लड़ाई का आपस की दोस्ती पर क्या असर हुआ? Both the friends were feeling that they have become distant because of the fight. लड़ाई से पहले ही दोनों दोस्त ये महसूस कर रहे थे कि उनके दरमियान फासला बढ़ गया है इस लड़ाई की वजह से। They found it difficult to discuss the fight with each other और उनको ये बात मुश्किल मालूम हो रही थी कि वो एक दूसरे से लड़ाई के बारे में बात करें। मतलब कई दफा ऐसा होता है कि हमें किसी मौजू पर बात करते हुए झिझक होती है और उसकी वजह ये होती है कि हमारे जहन में बहुत सारे फियर्स होते हैं, बहुत सारे खदशात होते हैं या कोई परेशानी का मामला होता है, तो उनके साथ भी ऐसा ही था। Finally, Ali decided to break the silence and started talking about his feelings with Gulsher. आखिरकार अली ने ये सोचा कि अब इस खामोशी को तोड़ना चाहिए और उसने गुलशेर के साथ बात करनी शुरू कर दी अपनी फीलिंग्स के बारे में। मतलब पहले अली ने कदम बढ़ाया और उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू कर दी। This helped both the friends and lessened the tension between them. इसने उन दोनों दोस्तों की मदद की इस बात में और उनके दरमियान टेंशन कम हो गई। कीपिंग इन व्यू द रिलेशनशिप ऑफ द टू फ्रेंड्स इज इट इजियर और हार्डर फॉर देम टू फाइट ईच अदर। इन दोनों फ्रेंड्स के दरमियान रिलेशनशिप को जहन में रखते हुए आपका क्या ख्याल है कि ये उनके लिए आसान था कि एक दूसरे से लड़ें या मुश्किल था? सपोर्ट योर आंसर बाय गिविंग रेफरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अपने आंसर को, जो भी आप आंसर सोचें, उसका उसको सपोर्ट करें, उसको प्रूव करें टेक्स्ट का हवाला देते हुए, यानी जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसमें से हवाला देते हुए। इट वॉज रियली हार्ड फॉर बोथ ऑफ देम टू डू जस्टिस विद देयर फ्रेंडशिप एंड देयर पैशन एट द सेम टाइम। ये उन दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल था
कि वो अपनी दोस्ती और अपने मकसद, जो उनका एक जुनून की हद तक उनका मकसद था कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे। पैशन आपका एक ऐसा शौक होता है, एक ऐसा जुनून होता है जो आप जरूर हासिल करना चाहते हो और उसके लिए मेहनत भी करते हो, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो बयक वक्त अपनी दोस्ती और अपने जुनून के दरमियान बैलेंस रख सकें। अली कन्फेसेस दैट ही केप्ट अवेक द होल नाइट हाउ टू फाइट विद गुलशेर विदाउट हर्टिंग हिम। अली ने ये बात, इस बात का एतराफ किया कि वो सारी सारी रात जागता रहा है कि वो गुलशेर के साथ कैसे लड़ेगा, उसको हर्ट किए बगैर उससे कैसे लड़ेगा। डिस्पाइट दिस बोथ ऑफ देम टेल ईच अदर दैट दे वांटेड टू विन द मैच फेयर एंड स्क्वेयर। और यही बात हैरान कन थी कि वो एक दूसरे को हर्ट भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद वो ये भी चाहते थे कि हम इस मैच को इंसाफ वाले तरीके से, मुनसिफाना तरीके से जीतें। मतलब जो अच्छा खेले जाहिर है वही जीतेगा, तो हम अच्छा खेलें और जीतें। और जाहिर है अच्छा खेलने का मतलब ये था कि अपने ओपोनेंट को बॉक्सिंग में हराने का मतलब यही है कि उसको बॉक्सिंग के जरिए जेर कर लिया जाए। तो यही इस कहानी का मसला था, इस कहानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि दोनों दोस्तों के लिए लड़ाई और दोस्ती दोनों को बरकरार रखना काफी मुश्किल था। आर यू सेटिस्फाइड विद द एंडिंग, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद कॉग्निट आर्ग्यूमेंट्स। क्या आपको इसकी एंडिंग पसंद आई है या इसकी एंडिंग से आप मुतमईन हैं और अपने जवाब, अपने इसके सवाल के जवाब में आर्ग्यूमेंट्स दें। द एंडिंग ऑफ दिस वेल रिटन स्टोरी इज हार्ट टचिंग एंड सरप्राइजिंग। सही बात यह है कि इस कहानी, जो बहुत अच्छी लिखी हुई कहानी है, वेल रिटन, बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें हम आप देखते रहे कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी भी बहुत मुनासिब इस्तेमाल हुई है गेम के मुनासिबत से, तो इसकी एंडिंग भी दिल को छू लेने वाली और हैरानकुन है। मतलब कोई भी रीडर ये उम्मीद नहीं कर रहा होता कि आखिर में ऐसा हो जाएगा। स्पेशली जब हम पढ़ रहे थे कि उनकी इतनी सख्त लड़ाई हो रही थी, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आखिर में एक प्लेयर गेम, कोई एक प्लेयर भी हार मानेगा, और उसके बजाय ये हुआ कि दोनों ही प्लेयर्स ने विदड्रॉ कर लिया और वो रिंग छोड़ के चले गए। द रीडर कीप्स ऑन वेटिंग फॉर द फाइनल डिसीजन बट एट द सेम टाइम फील सॉरी दैट देयर फ्रेंडशिप मे नॉट बी डैमेज्ड बाय द चैंपियनशिप। जो पढ़ने वाला है वो आखिरी डिसीजन के बारे में इंतजार करता रहता है कि इसका आखिरी फैसला क्या होगा, मगर उसी वक्त साथ साथ इस बात पर दिल में परेशान भी होता है कि कहीं इसकी वजह से, इस चैंपियनशिप की वजह से उनकी दोस्ती में नुकसान ना हो जाए, उनकी दोस्ती में हर्ज ना आ जाए, ठीक है, उनकी दोस्ती मुतासिर ना हो जाए। द राइटर हैज बीन एबल टू स्ट्राइक अ लवली बैलेंस बिटवीन द क्लोजनेस ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड देयर पैशन फॉर बॉक्सिंग। जो आखिरी सीन है उसकी वजह से राइटर ने एक बहुत खूबसूरत मुतवाजन तस्वीर पेश की है, जिसमें उनकी दोस्ती और उनके जो बॉक्सिंग के लिए उनका शौक है, उन दोनों के दरमियान बड़ी खूबसूरती से तवाजुन किया है। इन माई ओपिनियन देयर कुड नॉट बी अ बेटर एंडिंग ऑफ सच अ स्टोरी। मेरे ख्याल में इस तरह की स्टोरी की इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी, इससे बेहतर एंडिंग इसके लिए बहुत मुश्किल थी। तो ये बहुत बेहतरीन एंडिंग थी इस स्टोरी की। बट आपने ये सब क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं और बहुत केयरफुली लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा और आइंदा के लिए कोशिश करें कि इस तरह के आंसर्स आप खुद भी लिख सकें।